Now dear again welcome in the study of long fan center. हम लोग आज अभी 5, 6 और 7 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का. पहला रोल आप जानते हैं, एक बार नेम फिर से बता देते हैं आपको. इफ दिस इज सर्किल एंड लेंथ ऑफ रेडियस इज आर एल हो, लेंथ ऑफ आर्क एल हो और ये एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर ऑफ सर्किल थीटा हो, तो रूल होता है थीटा इक्वल टू कितना होता है जी बोलो भैया? थीटा इक्वल टू एल बाई आर. अभी जो निकलता है किसमें होता है रेडियन में. अगर डिग्री में पूछता है कि रेडियन को डिग्री में बदल दें तो 180/5 से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम? दूसरा रूल जो बताने जा रहे हैं, आगे जरूरत है इसे दवा पहले दे देते हैं. अगर दो सर्किल दिया हुआ हो, ध्यान देखिएगा छोटा है अब ये बड़ा है, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग होगा नहीं होगा? रेडियस का लेंथ भी दोनों का अलग अलग होगा. छोटा लड़का है बड़ा लड़का है, दोनों के समान की लंबाई एक थोड़े होगा. हाथ लंबा किसी का छोटा होगा, किसी का मंझला किसी का होगा, होगा ना? तो मान लिया जाए अगर जिसका रेडियस R1 हो जी, जिसका रेडियस कितना हो R1 हो और इसका रेडियस कितना हो R2 हो, इसका एंगल थीटा 1 हो और इसका एंगल क्या हो थीटा 2 हो, इसके L1 हो आर्क का लेंथ, इसके आर्क का लेंथ क्या हो जी L2 हो. एक रूल होता है याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्किल R1/R2 इक्वल टू होता है θ2/θ1. एक ट्रिक है इसको याद रखिए, कब होगा यदि L1 का वैल्यू L2 के बराबर हो. जैसे आप लोगों के बीच में कंडीशन है, सभी बच्चे अलग अलग गांव के हैं, हो सकता है अलग अलग जाति के, हो सकता है अलग अलग धर्म के भी हो, सकता अलग अलग मूड के भी हो, सकता अलग अलग रंग के भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक समान है जिसके अंदर एक जगह बैठे हुए क्या नाम है तो क्लास सेम हो. तो अगर बहुत सारे बच्चों का भी क्लास सेम हो तो एक साथ बैठ सकते हैं. यदि दो सर्किल के चाप की लंबाई बराबर हो, लेंथ ऑफ आर्क का सेम, देन रेशियो ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एंगल, यानी R1/R2 इक्वल टू कितना होता है θ2/θ1. फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 डिग्री को रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब फॉर्मूला 4 रेडियन को डिग्री में, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे. यही चार फॉर्मूला से पूरा चैप्टर समाप्त होता है. आइए मंच पढ़ाते हैं आपको सवाल नंबर 5, 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 क्वेश्चन सुनिएगा, बोल रहा है इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है जी? तो 40 सेंटीमीटर. आपको पता है कि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, यानी 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर का हो गया. तो अधिकार आगे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, उसकी जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है. अब बिना फोटो बनाए आपको समझ में नहीं आएगा, तो आइए पहले फोटो पसंद कीजिए, बात आगे बाद में बढ़ाएंगे. देखिएगा यही आपका एक सर्किल है, इसमें जीवा की लंबाई कितना है जी? तो 20 सेंटीमीटर. मैं नहीं बोल रहा, सवाल बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है जी. लेकिन बढ़िया बात तो ये है ना, यहाँ त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर का है, यानी कि सेंटर अगर हो, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं. द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस एंड दिस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर. ओके, ये भी 20 है, ये भी कितना होगा? तो कह रहा है आगे आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. जीवा जो काटता है चाप ना, ये चाप की लंबाई निकालिए, मतलब आपको एल निकालना है. क्या निकालना है जी? एल इक्वल टू फाइव. आर मालूम है, एल निकालना है. तीन चीज होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर. तीन लोगों से कोई भी दो मालूम हो तो किसका निकाल सकते हैं, लेकिन तीन लोगों से एक को मालूम है. क्या मालूम है? आर मालूम है सिर्फ. हम लोग सोचते हैं कि एल तो निकालना ही है, थीटा निकाल दिया जाए.
एक फोटो पसंद किया नहीं किए फोटो पसंद किए तो क्या देखा समझ में आया सब बराबर है हाँ एक क्या एक त्रिभुज बन रहा है ट्रेंगल बन रहा है और ट्रेंगल में तीनों भुजा बराबर है 20 सेंटीमीटर का मतलब तीनों साइड इक्वल है इफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज में खाली भुजा बराबर नहीं होता है उसका एंगल भी बराबर होता है तो 60 60 60 तब 180 होगा किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है नहीं देखो तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री कितना हो गया जी 60 डिग्री लेकिन हम लोग को डिग्री में एक और किसी चाहिए रेडियन तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करोगे पाई बाय 36 मतलब हो गया पाई बाय 3 रेडियन थीटा मालूम आर मालूम एल निकालना है लिखना चूंकि थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर इसलिए एल बराबर कितना आर थीटा आर मालूम है कितना है 20 थीटा मालूम है पाई बाय 3 आंसर किसी में भी छोड़ सकते हो या पाई का मान 20/7 लगा सकते हो कोई परेशानी नहीं अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको पता है कि जब दर्द के पहले दवा मिल जाए और गर्मी के पहले ऊपर में हवा मिल जाए तो बड़ी परेशानी होती है अच्छा लगता है अच्छा लगता है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सवाल पढ़ रहे हैं कह रहा है सुनना इफ इन टू सर्किल मतलब दो प्रिंट दो प्रिंट का यहाँ फॉर्मूला दिए हैं एक और एक दो कह रहा है इफ इन टू सर्किल आर्क्स ऑफ सेम लेंथ आर्क चाप की लंबाई बराबर है देखिए चाप की लंबाई क्या है सिर्फ ना एक दूसरा का इस्तेमाल होगा इसमें दिया हुआ है मतलब एल1 बराबर गिवन मैं नहीं लिख रहा हूँ बुक लिख रहा है बुक नहीं सवाल बोल रहा है जी बुक तो बहुत कुछ बोल रहा है ये साल भर सुनने पड़ेंगे आपको तब आप बोलोगे ये मेरा वादा है अब वादा कुलट पढ़ो क्या होता है वादा कुलट की पढ़ो दावा भी है ओके आइए आगे देखते हैं लोग एलो का टू दिया हुआ एंगल दिया हुआ 60 डिग्री 75 डिग्री थीटा वन है 60 डिग्री थीटा टू कितना है 75 डिग्री आपको कर रहा है कि रेशियो ऑफ रेडियस निकालिए मतलब R1/R2 क्या होगा काहे को टेंशन जब फॉर्मूला पहले ही है नेंसर नेंसर मैंने सुलेक्ट कर दी है लेकिन R1/R2 आप जानते हैं ना क्या जानते हैं लेकिन चूंकि R1/R2 इज योर थीटा टू कितना है 60 15×60=5/4 R1 अनुपात R2 बराबर 5:4 नाउ इज आंसर एनी प्रॉब्लम एंड नाउ लास्ट फॉर दिस एक्सरसाइज सेवन देखिए क्या है सातवां सवाल समझोगे ना कैसे उतारना है कैसे उतारना है बाप के जैसा उतारना है अब तो सर बाप के जैसा कैसे उतारे हैं तो बाप के जैसा हमने बी मैंने पहले पीछे फिर ए मतलब आगे तब बी मैंने पीछे बात समझाना है यस घर बाबूजी से एक मन बोलना है सर हम बाप के जैसा उतरवाते हैं पिताजी भी पूछ रहे हैं मेरे जैसा कुछ तो करते हैं अब ऐसा सवाल हुआ तुम लोग सर खड़ा होकर पढ़िए कोई हम ही पढ़ लेते हैं कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन मतलब पता तय हो गया रेडियन कि हम लोग क्या निकालना है जी थीटा इक्वल टू पाई कोई तकलीफ हो आप खड़ा होकर हमसे पूछ सकते हो तो दिक्कत भैया लोग को पूरा बाहू पीछे नहीं कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन टू विच ए पेंडुलम खड़े देखे हैं तो खाली आगे से जाता है कि आगे पीछे दोनों करता है दोनों करता है जितना दूर आगे जाता है उतना ही दूर अब एक बार घूम जाएगा तो क्या बन जाएगा ब्रिज बन जाएगा और जो ब्रिज बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा उसका सीमा की लंबाई है नहीं होगा होगा
घूमता रहा है सुनेगा, एक पेंडुलम कितना कौन बना रहा है, मान लीजिए पेंडुलम जितना दूर इधर जाता है उतना ही दूर इधर भी जाता है, एनी प्रॉब्लम? और ये क्या है, जब इक्वली आर है नहीं है, घूमेगा तो त्रिज्या बनेगा ना, जैसे वेव है, यही कौन निकाल रहा है कितना से घूम रहा है, उसका लंबाई भी दिया हुआ है, पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है जो 75 सेंटीमीटर लंबाई हुआ ना, त्रिज्या 75 होगा जी, तो त्रिज्या हो गया आपका कितना जी, तो आर इज 75 सेंटीमीटर। कर कैसा लग रहा है, लाहौल भी लग हुआ मतलब समझ गए, ठीक लग रहा है ना, यस उर्दू में बोले लाइक एंड दैट एंड टीप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहला बना है तीन सवाल है, पहला में 10 है, दूसरा में कितना है 15, तीसरा में 21। पहला में बना रहे हैं जी कि जब ये दूरी कितना तय कर रहा है, चाप हुआ ना, एक चाप हुआ, एक कितना है 10 ना, पहला 10 है ना, 10 एल मालूम, आर मालूम, दोनों समान होगी आपके पास, कब बैठो तुम दास और मेरे पास, थीटा क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा का मान कितना होता है, एल बाई आर रेडियन, एल कितना है, आर कितना है, काटने आता है 5 × 10 2/15 रेडियन, आप इसको डिग्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत? इसी के साथ मेरे तरफ से चैप्टर की समाप्ति हुई, याद रखना जब तक आप रिविजन नहीं करोगे तब तक आप तेज नहीं बन सकते हो। शिक्षक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जैसे पानी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, साफ क्यों ना हो, एकदम बिस्तरी का बोतल का पानी भरा हुआ है, अब आप उसमें डुबकी मार के निकल जाइएगा तो आपका मैसूर जाएगा, ज्यादा गड़ता तो आप ही पड़ेगा जी। तो हम कितने भी अच्छे पढ़ा रहे हो, जब तक आप रगड़ेंगे नहीं तब तक आपका दिशा नहीं होगा, दिशा दिशा समझते हो, दिशा मैंने डी से दिमाग और सा से साफ, दिमाग साफ नहीं होगा आपका, तो दिशा कराना है तो आपने मेहनत की दिया तब जाकर आपका दिशा होगा। मुझे उम्मीद है आप पूरा पढ़िएगा, जितना है सब संडे का दिन है, फिर पूरा रिवीजन कर लेना, मंडे को हम एक सवाल कोई ना कोई पूछेंगे, दो सवाल का टेस्ट होगा आपका, और पिटाई की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी आपको। ओके नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।